गुड मॉर्निंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन दिस वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी भोपाल. एज वी ऑल नो दैट टुडे इज द 16 अप्रैल एंड इट इज अ डे ऑफ मार्क्ड एज अ नेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस डे. इट इज अ डे टू असेस द पर्सनल एंड फैमिली एंड वर्क प्लेस स्ट्रेस दैट एग्जिस्ट इन अवर लाइफ. So many person experience a stressful situation in their life and often that stress begins in our own area. So it is beneficial for us to just recognize the stress which we are facing and cope up with this situation. So looking forward for on that theme on this National Awareness Day, we have organized a webinar and we are having the eminent speaker कुमारी ज्योति दीदी. ओम शांति दीदी, वेलकम ऑन दिस एसआईआरटी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एसआईआरटी टीम एंड टेक ग्रुप. बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवर सेज ग्रुप. द सेज ग्रुप इज अ लीडिंग बिजनेस ग्रुप ऑफ सेंट्रल इंडिया. इट प्रेजेंट एग्जिस्ट इन द एरिया ऑफ रियल एस्टेट, एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री. A synonym of trust and quality. The group exists as the best business group of the life of the time for driving transformation in the lives of the customers across the globe. So the focus is devoted to customers, the so-called a solid experience and a total strength on delivery norms. So now I will show you about the all the participants kindly mute yourself. Surbhi ma'am. Yes ma'am, yes ma'am. सभी पार्टिसिपेंट प्लीज अपना माइक जो है वो म्यूट कर ले ताकि बीच में जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है वो ना हो. आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कीप योरसेल्फ म्यूट. Thank you.
Now moving forward, I would like to introduce you all with our motivational speaker, Brahma Kumari Jyoti Didi, who is currently serving our society as an in charge of Golden World Vision Center, Gwalior. And before starting, I would like to give a brief introduction about Didi. Didi has completed his bachelor and master's degree in value education and spirituality by Annamalai University, Coimbatore. He is conducting various training programs in various educational institutes for students and teachers in various manufacturing as well as service industries for all the level of employees, and make their life peaceful and successful through their valuable guidance and motivation. He also lead various social campaigns such as women empowerment campaigns, youth awareness campaigns, administrative campaigns, cleanliness campaigns, God realization campaign, etc. He has traveled almost all over the India to enlighten the others, and she has been awarded with various prizes for her valuable service to society. So with these words, I would like to welcome you, ma'am. Okay. Please enlighten our participants with your great golden voice. Om Shanti. Sabhi ko दिल से बहुत ही प्यार से आज के इस तनाव युक्त माहौल में हम सभी इतना सुंदर विषय लेकर यहाँ पर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति दे रहा है, आपके कॉलेज, आपकी संस्था और आपकी टीम बहुत बहुत ही सुंदर कार्य चल रहा है। तो जैसा कि हमको मैडम ने कहा है कि आज तनाव मुक्ति पर विशेष क्लास, विशेष जो भी बातें हैं उनको रखना है। हम सभी के जीवन में तनाव तो होता ही, हर एक के जीवन में डर, भय, खौफ इतना बढ़ता जा रहा है कि एक दूसरे के अपने जीवन जैसा कि सभी कह रहे हैं कि डरने की बजाय, टेंशन लेने की बजाय अटेंशन रखना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सतर्क रहना है और समाज। तो जैसा कि जो यहाँ पर मार्गदर्शन के लिए बुलाया गया कि इस स्ट्रेस को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, निश्चित है कोई ना कोई बीमारी का कोई डॉक्टर अच्छा होता है, कोई दवाई अच्छी होती है। तो आज आपको भी हम इस स्ट्रेस रूपी बीमारी के लिए डॉक्टर अली से आप डॉक्टर अली का नाम नहीं सुना होगा, डॉक्टर अली ALI। जीवन में तनाव जब बढ़ता है तो विशेष ऐसे कारण होते हैं
जो कि हम अपने जीवन में कुछ एक को तो हैंडल कर पाते हैं और जब वो हैंडल नहीं हो पाते हैं तो वही हमारा टेंशन शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर अली का जो पहला अक्षर है ए, अर्थात मेरे जीवन में जो भी कुछ आए उसे मुझे सर्वप्रथम उसको एक्सेप्ट करना होगा। कहीं ना कहीं हम अपने कंफर्ट जोन में इतना अच्छे से खुशनुमा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, सुख का अनुभव कर रहे होते हैं और इस सुख शांति के माहौल में अचानक यदि किसी व्यक्ति की तरफ से, प्रकृति की तरफ से या कोई भी तरफ से जब कोई बात आ जाती है तो वो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस देती है। एक हमने अपनी दिनचर्या को मेंटेन किया रहता है सुबह से शाम तक का, अब उठना है, अब ऑफिस जाना है, अब ये काम करना है और तभी बीच में यदि कोई ऐसी बात जो हमारी दिनचर्या में शामिल नहीं होती है, हमारे से अधिक खर्चा आ जाता है या फिर हमारी मानसिक स्थिति से ज्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो वहीं पर हमें स्ट्रेस होने लगता है, तनाव होने लगता है और फिर हम कहीं ना कहीं उसका कारण ढूंढने की जरूर कोशिश करते हैं। कई बार तो लोग कारण बाद में ढूंढते हैं, निवारण बाद में ढूंढते हैं, लेकिन उससे पहले घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले आपको को उसे हमें सभी से निवेदन है, अपना स्पीकर थोड़ा म्यूट कर ले। दीदी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। आप अपना अनम्यूट कर लीजिए अब आप। हाँ तो थैंक यू सबका म्यूट करने को, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने लगता है। तो बात चल रही थी कि हमें ए फॉर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करने की पावर को जीवन में लेकर के आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी को पता है ये समय चल रहा है कलयुग का। कलयुग मतलब जहां दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव, ये सब इस युग की गिफ्ट है। किसी का दुख देना, दुख धोखा देना या हमको परेशान करना, ये कोई नई बात नहीं है, ये इस युग की हम सबको गिफ्ट है। और ऐसे में हमको क्या चाहिए, या तो हम अपने मानसिक लेवल को बढ़ाएं, अपने आप को पहले से इतना तैयार, लेकिन मेरा मन सदा तैयार है, आई एम रेडी, क्योंकि जो मुझे पता है कि हम उसमें जब तक हम एग्जाम नहीं लेते हैं तब तक आगे की क्लास में नहीं जाते हैं। सही है ना? और एग्जाम होता है तो डेट भी निश्चित होती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी समय प्रति समय वो परमात्मा टीचर हमारा एग्जाम लेता रहता है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, उस एग्जाम में तो डेट निश्चित होती है, पेपर भी निश्चित होता है, पता है किस बुक या किस सिलेबस से आएगा, लेकिन इस जीवन में जो परीक्षाएं आनी है उनका कुछ पता नहीं रहता, कब किसके द्वारा कितने बजे किस समय कहाँ कौन सा एग्जाम हो जाए, कभी व्यक्ति के द्वारा, कभी संस्कारों के द्वारा, कभी आपसी मतभेद के द्वारा, प्रकृति के द्वारा,
मतलब कहने का निश्चित नहीं है एग्जाम का। तो इसके लिए या तो हम जब एग्जाम आए परेशानी आए या तो हम डर जाएं और क्वेश्चनों के घेरे में प्रश्नों के घेरे में घिर जाएं, क्या होगा कैसे होगा कौन करे, या फिर पहले से हम रेडी रहें, पहले से हम इतने तैयार रहें कि कुछ भी हो सब अच्छा हो। ठीक है, कोई बात आई है अब उसका हमें कोई ना कोई निवारण निकालना है, और जब निवारण नहीं ना निकले, कोई आंसर ना मिले, कोई हल ना मिले, मैम आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। का जो सिर्फ सेकंड लेटर है मुझे उसकी सुने, अगर हम सुनेंगे नहीं तो फिर वो किसी और को सुनाएगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। मान लो मेरी पत्नी है, मेरा पति है, वो मुझसे अपने मन की कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन मैं अपने काम में इतना बिजी हूँ, मैं अपनी जिंदगी में इतना बिजी हूँ कि मैं उनके लिए समय ही नहीं दे पा रही हूँ। अपने माता पिता हैं, बच्चे हैं, फिर क्या होता है व्यक्ति उन बातों को किसी और से शेयर करता है और तीसरा व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाता है। दूसरा, भगवान ने कान दो दिए हैं, मुख एक दिया है, इसका मतलब अधिक सुनना है और बोलना कम है। और अपने दिल की सुने, दूसरों की भी सुने, जैसे समय मिले समय निकाल के सुने, तो सुनने से सामने वाला हल्का हो जाता है, तो इससे भी हमारा स्ट्रेस कम रहता है। अगर हम सामने वाले की सुनते नहीं है, सिर्फ अपने सुनाते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। सुनना भी चाहिए, अपने दिल की भी सुने क्या कह रहा है, बाहर की आवाज को कुछ देर के लिए शांत करके अंदर की आवाज क्या है। तो डॉक्टर अली का जो लास्ट लेटर है आई, अर्थात इंट्रोस्पेक्ट, अंतर विश्लेषण, अंदर का मनन चिंतन, अंदर की गुफा में बैठकर मनन चिंतन करना, हु एम आई, मैं कौन, मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में, मेरा क्या पार्ट है, मुझे क्या करना है, और जब मुझे जाना है इस दुनिया से तो साथ में क्या जाना है, साथ में क्या लेकर आए, ऐसी करनी किए जाओ कि जग रोए और हम हंसे, ऐसी करनी मत करो कि जग हंसे और हम। तो आपने डॉक्टर अली के तीनों लेटर सुने जो हमारे स्ट्रेस रूपी बीमारी को खत्म करने के लिए सहायता करे। और एक्सेप्टेंस, एल फॉर लिसनिंग और आई फॉर इंट्रोस्पेक्ट, अर्थात कोई बात है उसको एक्सेप्ट करें, एल फॉर लिसनिंग सुने, और फिर अंतर विश्लेषण करें, मनन चिंतन करें, और फिर उसका कोई अच्छा निवारण निकालकर अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं।
कुछ वैल्यूज जीवन में जब हमारे आ जाते हैं तो हम इस तनाव रूपी बीमारी पर बहुत ही सहज विजय प्राप्त कर लेते हैं। स्ट्रेस में ही वो वैल्यूज छुपी हुई है, S फॉर स्वीटनेस, जीवन में मधुरता लेकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का और शीतल करे आपको शीतल। हमारी वाणी किसी का दिल दुखा भी सकती है, किसी का दिल जोड़ भी सकती है, किसी को तख्ते पर चढ़ा भी सकती है और किसी को इसमें हड्डी होती नहीं है लेकिन हड्डी तोड़वा जरूर सकती है। ये हमेशा अपने शब्दों को पहले तोले और फिर स्वीटनेस जीवन में अवश्य लेकर। एक बार किसी मधुमक्खी से किसी ने कहा कि देखो मनुष्य लोग तुम्हारा शहद चुरा के ले जाते हैं, तो मधुमक्खी ने कहा कोई बात नहीं, शहद ही तो चुराते, शहद बनाने की कला को तो नहीं चुरा सकते। कहीं ना कहीं मुझे सदा ही अच्छे शब्दों का चयन करके ही सामने वाले को खुश रखना है, संतुष्ट रखना है। ऐसे शब्द ना बोले ये अपना काम बन जाए और दूसरों का दिल नहीं तो स्ट्रेस बना रहे। नेक्स्ट है आपका टी अर्थात टॉलरेंस। कहते हैं जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। सहनशीलता वो शक्ति है जो जीवन में बड़ी से बड़ी परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त करना सिखाती है। लेकिन बस मन में ये विश्वास रहना चाहिए सब अच्छा हो जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम्स आती है व्यक्ति के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, दुर्घटनाओं के द्वारा, हमने बुलाई नहीं होती है लेकिन चाहे वो ड्रामा भगवान का ड्रामा कह लो, हमारा भाग्य कह लो, कर्म कह लो, जो भी कहना चाहे, विधि का विधान कह लीजिए, लेकिन जब आ ही गई है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्वीकार करके सहन करना ही पड़ेगा। अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो अवश्य निकालिए, अन्यथा प्यार से सहन कीजिए, तनाव में मत आइए, जो है जैसा उसको स्वीकार करके आइए। उस सहन करने की शक्ति आवश्यक, जैसे पत्थर कील हथौड़ी की मार सहन करता है तो पूजनीय बन जाता है, ऐसे ही जो व्यक्ति महान बनता है, ऊंची सीट पर जाता है, उसने भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सहन किया होता है, नेचुरली है। आप सभी अपने दिल से पूछिए, आप सभी जिस भी सीट पर हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, ऐसे ही सहज नहीं आ पाए होंगे, कहीं ना कोई कोई ना कोई सिचुएशन तो आती है, लेकिन आपने मन में क्या रखा होगा, कोई बात सब अच्छा होगा, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहे। स्ट्रेस का थर्ड लेटर है आर, अर्थात रिमेम्बर। हमें याद रखना चाहिए अगर मैंने किसी से वायदा किया है, मेरे को याद रखना चाहिए किसी से मैंने भी कमिटमेंट किया है, नहीं तो मत कीजिए। हमें याद रखना होता है अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को, अपने जरूरी कार्यों को, उनको हम भुला नहीं सकते। अगर भुला देते हैं, समय पर कार्य नहीं करते हैं और कहते हैं भूल गए, वहां स्ट्रेस होगा। तो कहीं ना कहीं इस पावर को भी बना के रखना पड़ेगा, अपनी रिमेम्बरिंग पावर को, किसको क्या आवश्यकता है, मुझे क्या आवश्यकता है और किससे मैंने क्या कहा था कार्य करने के लिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो डायरी पेन का आप सहायता लीजिए, या आपके मोबाइल में एक नोटबुक होती है उसमें आप नोट कर लीजिए। नोट डाउन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, कुछ लोगों के साथ मिलके चलना होता है, कुछ लोगों की सहायता करना भी होता है, कुछ लोगों के कमिटमेंट प्रॉमिस उनको भी पूरा करना, बिना सहयोग के सहयोग नहीं मिलता। ये आप डायरी पेन रखें, निश्चित है धीरे धीरे याददाश्त सभी की कम होती जा रही है और उसको ठीक रखने का यही उपाय है कि कहीं ना कहीं डायरी पेन का सहारा लें। जब भी मार्केट जाएं तो नोट करके जाएं क्या लेके जाना है, आज दिन भर मुझे क्या करनी है, बुराई नहीं है,
ये स्ट्रेस लेवल को खत्म करने का एक छोटा सा जरिया। नेक्स्ट आपका ई अर्थात इजी नेचर। जीवन में सरल व्यक्ति जो होता है वो हर काम को सरलता से पार कर लेता है, लेकिन कठिनाई यही है कि सरल रहना ही कठिन है। सरलता से बात करना, सरल हर बात पे गर्म हो जाना, जोश में आ जाना, ये तो बात ठीक नहीं। कोई कुछ कह रहा है सुन लीजिए, कभी कभी समा भी लीजिए, इग्नोर भी कर दी, लेकिन रिप्लाई करते समय ध्यान दीजिए सरलता। जितना आप इजी रहेंगे उतना ही हर काम सरल है। कोई बड़ी से बड़ी बात को भी आप बड़े रूप में मत लीजिए, अब क्या इजी। इजी रखने के लिए कौन सा शब्द याद रखना है? जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा। दीदी आप म्यूट हो गए। दीदी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी अब करिए अनम्यूट जी। तो हमें सरलता से भी अपने जीवन को निकालना कठिनाई के साथ। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुद्दे की पहचान होती है। अगर हम व्यक्तियों की बुराई को लेकर पकड़े रहेंगे, उन्हीं को लेकर चिंतन मनन करते रहेंगे तो जीवन कठिनाई से निकले। कहते हैं सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है, और व्यक्ति कितना भी अच्छा हो भूल हो ही जाती है। तो धूल को ना देख उसको साफ करें, उसको इग्नोर करें, आगे बढ़ें। इसी प्रकार भूलों को भी पकड़ के ना बैठे, कोई बात नहीं हो गई। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए जाने दो कोई बात। अब जहां भी बैठे हैं सभी बोलिए जाने दो कोई बात। ये मंत्र है स्ट्रेस को खत्म करने। हमेशा आपको क्या याद रखना है? जाने कोई बात, सब ठीक हो जाए। आप भले नोट कर लीजिए अच्छे से, आपको इसको बार बार याद करना है, इसको जीवन में एक्सेप्ट करना है। जाने दो कोई बात नहीं, सब ठीक हो, सब ठीक हो। इजी लेटर बना के रखना है। फिर है नेक्स्ट लेटर एस, अपने जीवन में सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी को बना करके रखना है, साधारण। कहते हैं साधारण जीवन उच्च विचार। तो साधारणता जीवन में बहुत ही हमारे सरलता लाती है, तनाव मुक्त बनाती है। ज्यादा दिखावे के चक्कर में आना, कैसा लग रहे हैं, क्या है, ये भी स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, कपड़े हैं सब अच्छे होते हैं, पहन लिए सब अच्छे, हम अच्छे कपड़ा कोई भी पहनेंगे हम अच्छे, हमारे गुण अच्छे होने चाहिए, हम अच्छे होंगे, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। लास्ट है एस सोल कॉन्शियसनेस अर्थात आत्मिक स्मृति। आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। जाने दो कोई बात। तो लास्ट है सोल कॉन्शियसनेस, तो मन में सदा स्मृति रहे आई एम नॉट बॉडी आई एम सोल। जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं? हे प्रभु इसकी आत्मा को शांति दे, ना घर तेरा ना घर मेरा ये तो रंग तेरा। जाने का समय चल रहा है, हम सभी देख रहे हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। वैसे भी इस दुनिया में तो किसी को रहना ही नहीं है, इस सत्य को पकड़ के हम चले, घबराए नहीं, डरे नहीं, टेंशन को बढ़ाए नहीं। चार पल हो चाहे दो पल हो चाहे एक पल हो, लेकिन मुझे हर पल को बहुत प्यार से, बहुत खुशी से, बहुत पॉजिटिविटी से जीना है। इस क्षण को, जो क्षण है मेरे सामने, उसी को मुझे बहुत खुशी से, आगे के भविष्य की चिंता में मुझे अपने वर्तमान को खराब नहीं करना है, मुझे भूतकाल के पश्चाताप में अपने वर्तमान को खराब नहीं करना है। प्रेजेंट टाइम इज आवर, वर्तमान समय हमारा, हमेशा याद रखें।
और रोज सुबह उठते ही क्या कहें, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, मैं परमात्मा की विशेष ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे लास्ट के 4 मिनट्स रह गए हैं, तो हाँ जी, अगर मीटिंग एंड मेडिटेशन, अब मेडिटेशन कराएंगे 4 मिनट, तो अभी हम सभी अपने कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, कोई भी पार्टिसिपेंट दीदी से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन कराते हैं फिर बैठ पूछते हैं ना, सभी 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें। महसूस करें मैं इस दुनिया में परमात्मा की विशेष रचना हूं, इस दुनिया में भगवान ने मुझे विशेष कार्य करने के लिए भेजा, मुझे अपने अंदर की शांति को सदा बनाए रखना है। मुझे पता है सब कुछ पहले से ही फिक्स है, जो भी होना है, इसलिए मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं, जो हो रहा है सब ड्रामा है, विधि का विधान, हर पल हर क्षण भगवान मेरे साथ, भगवान की शक्ति मेरे साथ, मेरा विश्वास मेरे साथ है, मैं सदा स्वस्थ हूँ, निश्चिंत हूँ, मैं आत्मा हूँ। भगवान को विशेष धन्यवाद करती हूँ और अपने आसपास के लोगों को भी धन्यवाद करती हूँ, प्रकृति का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन जिन ने भी मुझे सहयोग दिया, दिल से मैं सबका धन्यवाद। सभी मेरे साथ बोलेंगे ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को आपस में रब करेंगे, अच्छे से रख लेंगे और अपने सिर के ऊपर रखेंगे दोनों हाथ और बोलेंगे मेरे सिर पर भगवान का हाथ है, भगवान की शक्ति मेरे साथ, मैं आत्मा शांत। फिर से हाथों को रब करें अच्छे से और अपने चेहरे से लगाएं, मैं आत्मा सुरक्षित हूँ, भगवान की याद में स्वस्थ हूँ, निश्चिंत हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद दीदी आपको। पार्टिसिपेंट्स अगर मीटिंग सडन एंड हो जाए तो आप लोग रीज्वाइन कर सकते हैं और किसी के भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग अभी दीदी से पूछ सकते हैं। हाँ पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है।